लगातार दूसरे दिन कोरोना के नए केस की संख्या 2 लाख के पार। 24 घंटे में 2,11,000 लोग हुए संक्रमित, 3,847 की मौत। 26 जनवरी हिंसा केस की चार्जशीट में बड़ा खुलासा। लाल किले पर कब्जा करके नया प्रदर्शन स्थल बनाने की थी साजिश। दुनिया में भारत को बदनाम करने के लिए 26 जनवरी का दिन चुना। पीएनबी घोटाले का मास्टरमाइंड भगोड़ा, मेहुल चौकसी 48 घंटे में भारत किया जा सकता है रिपोर्ट। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री निजी मीडिया से खास बातचीत में दिया भरोसा। भारत को आतंकवाद किसी भी रूप में मंजूर नहीं। अमेरिकी एनएसए से बातचीत के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर की दो टूक। पाकिस्तान के संघर्ष विराम को बताया अच्छा कदम। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने योग गुरु स्वामी रामदेव के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र। स्वामी रामदेव पर वैक्सीनेशन के खिलाफ दुष्प्रचार करने का आरोप, कार्रवाई की मांग। योग गुरु स्वामी रामदेव को 1,000 करोड़ का नोटिस। एलोपैथी पर दिए गए बयान को लेकर उत्तराखंड आईएमए की तरफ से भेजा गया मानहानि का नोटिस। आज सिद्धार्थनगर और बस्ती का दौरा करेंगे सीएम योगी। कोविड रोकथाम की तैयारियों की जानेंगे जमीनी हकीकत। कुशीनगर में बच्चों के लिए दिखा सीएम योगी का प्यार। छोटी बच्ची से मिलकर भावुक हुए सीएम योगी, कहा कोरोना काल में घर से मत निकलना बेटा। यूपी में 1 जून से वैक्सीनेशन में आएगी तेजी। सभी 75 जिलों में 18 से 44 उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन, 12 साल से छोटे बच्चों के अभिभावकों को प्राथमिकता। योगी सरकार का अहम फैसला, यूपी में कोविड नेगेटिव होने के बाद पोस्ट कोविड दिक्कतें झेल रहे मरीजों का मुफ्त में होगा इलाज। यूपी में कोरोना के ग्राफ में लगातार आ रही कमी। बीते 24 घंटे में मिले 3,371 नए मरीज, 10,540 लोग हुए थे। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या में गिरावट जारी। बीते 24 घंटे में मिले 2,991 नए मरीज, 53 और लोगों ने गवाई जान। नोएडा की सेक्टर 20 पुलिस ने बीती रात 105 रेमडेसिविर इंजेक्शन किए बरामद। कई इंजेक्शन निकले नकली और एक्सपायरी, एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। राजस्थान के 12 जिले में कोरोना की तीसरी लहर का कहर। 2 महीने में 1,060 बच्चे कोरोना से संक्रमित, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। लखनऊ में चंदन और मेदांता अस्पताल की जांच करेगी पब्लिक ग्रीवांस कमेटी। इलाज में लापरवाही और अनियमितताओं के लगे हैं आरोप, और जांच के लिए हाईकोर्ट ने गठित की है कमेटी। मथुरा में 60 लाख रुपए की सुपारी गायब होने के मामले में ट्रक चालक और मालिक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 127 बोरी सुपारी, खाली ट्रक, तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल बरामद। मथुरा के थाना बरसाना इलाके में पुलिस ने ट्रक से 20 गौवंश किए बरामद। गौ तस्करों ने पुलिस पर की थी फायरिंग, 3 गौ तस्कर गिरफ्तार। कानपुर पुलिस ने किया नकली पान मसाला फैक्ट्री का भंडाफोड़। हजारों पैकेट नकली मसाले के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार, 50 लाख का माल बरामद। बुलंदशहर के खुर्जानगर कोतवाली इलाके में संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव। ससुराल वालों पर हत्या का आरोप, पति पत्नी में हुआ था विवाद। मथुरा के थाना हाईवे इलाके में कार सवार बदमाशों ने मेडिकल संचालक के साथ की लूट। मामले की जांच में जुटी पुलिस, 4 टीमें कर रही हैं आरोपियों की तलाश। बिजनौर के थाना नजीबाबाद इलाके में 12वीं के छात्र ने जहर खाकर की आत्महत्या। महिला ने लगाया था अश्लील एसएमएस करने का। उत्तराखंड में आज बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक। ग्रामीण इलाकों में किए जा रहे कामों की होगी समीक्षा, सीएम तीरथ लेंगे हिस्सा। बहराइच के थाना बौंडी इलाके के सिलौटा गांव में गैस सिलेंडर में हुए धमाके के बाद 3 घरों में लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर खाक। बहराइच में पुलिस ने पेश की इंसानियत की मिसाल। थैलेसीमिया से पीड़ित 3 लोगों को बचाने के लिए जवानों ने किया रक्तदान। फरुखाबाद में नवनिर्वाचित प्रधानों ने ली शपथ, ऑनलाइन दिलाई गई शपथ। कई जगह नेटवर्क न होने से आई परेशानी। ग्रेटर नोएडा हाईवे पर मोटरसाइकिल में लगी आग, ट्रक में टक्कर लगने के बाद लगी आग। मोटरसाइकिल सवार युवक और बच्चा गंभीर रूप से घायल। महोबा में एक पति पर अपनी पत्नी की हत्या का लगा आरोप, हमले के बाद पति ने खुद को भी किया घायल, जांच में जुटी पुलिस। ललितपुर में एक महिला को स्कॉर्पियो सवार अज्ञात लोग राष्ट्रीय राजमार्ग पर फेंक कर भागे। गंभीर हालत में महिला को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती, जांच जारी। यूपी में कोरोना संक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई। पिछली सुनवाई में सरकार ने जवाब के लिए समय मांगा था। यूपी के गाजियाबाद में कोरोना के मरीज के परिजनों से ठगी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। जरूरी इंजेक्शन उपलब्ध करवाने की एवज में करते थे ठगी। अमरोहा में बारातियों को लेकर जा रही बोलेरो खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई। हादसे में ड्राइवर समेत 3 लोगों की मौत, 4 लोगों की हालत गंभीर, हायर सेंटर में चल रहा इलाज। सीएम योगी ने शहीद नवीन कुमार सिंह को दी श्रद्धांजलि, परिवार को 50 लाख रुपए की मदद का ऐलान। श्रीनगर में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान हुए थे शहीद। नई गाइडलाइंस लागू करने को लेकर सोशल मीडिया कंपनियों से सरकार ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट। 25 मई को खत्म हो चुकी है डेडलाइन। एयर इंडिया ने अपने यात्रियों को दी बड़ी राहत, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के यात्रा की तारीख फ्लाइट में कर सकते हैं बदलाव। 30 जून तक ऑफर मान्य।
टोल प्लाजा को लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नई गाइडलाइन जारी। पीक आवर में 10 सेकंड से ज्यादा ना हो वेटिंग टाइम। 100 मीटर से लंबी कतारों पर भी लगे रोक। ब्लड मून सुपरमून का नजारा सामान्य आकार से काफी बड़ा दिखाई दे रहा है। चंद्रमा दुनिया के कई देशों से सामने आ रही है खूबसूरत तस्वीर। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के समुद्र तट से टकरा चक्रवाती तूफान यास। 140 किलोमीटर की रफ्तार के बाद कम हुई रफ्तार, कई घरों में घुसा पानी। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान यास। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में मचा तांडव। बिहार समेत कई राज्यों में अलर्ट। राजधानी दिल्ली में कोरोना ब्लैक फंगस के बीच नई आफत। दिल्ली में बढ़ा डेंगू चिकनगुनिया का प्रकोप। दिल्ली में डेंगू के बढ़ते मामलों ने बीते 8 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच हुई फोन पर बातचीत। पीएम मोदी ने कोविड से लड़ाई में फ्रांस के सहयोग के लिए धन्यवाद किया। राज्य में वैक्सीन की बर्बादी पर केंद्र सरकार ने जताई नाराजगी। झारखंड और छत्तीसगढ़ में 37% तक बर्बाद हो रही है वैक्सीन। अमेरिका के कैलिफोर्निया में फायरिंग से 8 लोगों की मौत, कई घायल। कैलिफोर्निया के सेंट जोस शहर में अज्ञात हमलावरों ने किया अंधाधुंध फायरिंग। पुलिस ने हमलावरों को किया ढेर।